बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज सिस्टमैटिक बॉटनी में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। सिस्टमैटिक बॉटनी का जो प्राइम टॉपिक है वो है आपके पास क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन। द टर्म क्लासिफिकेशन मींस दैट अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू प्लांट्स ग्रुप्स, दैट प्लांट्स ग्रुप में बी डिविजन, देयर क्लास, ऑर्डर और फैमिलीज, on the basis of similarities between them। कि क्लासिफिकेशन में हम लोग उन प्लांट्स को सेम जीनस या सेम फैमिली या सेम क्लास या सेम ऑर्डर में क्लासिफाई करेंगे जिनके दरमियान आपके पास सिमिलरिटीज होंगी और उनका एक टेक्सॉन यानी सिंगल ग्रुप डिजाइन करेंगे। अब हमारे पास यहां पे इंटरेस्टिंग एक टर्म होती है, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टर्म क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? द सेट ऑफ दोज करेक्टर वी यूज एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। कि जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन में जो आप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे तो वो बेसिकली सेट ऑफ करेक्टर्स हैं, लाइक मॉर्फोलॉजी, लाइक एनाटॉमी, लाइक साइटोजेनेटिक्स, या फ्लोरल पार्ट्स, या फ्लोरल स्ट्रक्चर्स, या फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। तो ये तमाम जो सेट ऑफ करेक्टर्स हैं वे यूजेस एज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन आर नोन एज क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास ओवरऑल मेजरली थ्री मेजर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। नंबर वन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर टू नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर थ्री फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास ये थ्री मेजर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। नंबर वन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नंबर टू नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड नंबर थ्री फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम लोग इन सिस्टम्स के अंदर फर्दर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को स्टडी करेंगे। जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास कंट्रीब्यूशन है थियोफ्रेस्टस या हर्बेलिस्ट या टोनी फोर्ट एंड कार्लस लिनियस की कंट्रीब्यूशन है मेजरली इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जबकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जिन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, नंबर वन गैस्पर्ड बोहेन, नंबर टू रे, नंबर थ्री एडमसन, नंबर थ्री रॉबर्ट ब्राउन, नंबर फोर ए पी कंडोले, एंड नंबर फाइव बेंथम एंड हुकर। जबकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिन साइंटिस्ट की मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं, उनमें नंबर वन एग्लव एंड प्रिंटा, नंबर टू हॉटचिंसन, नंबर थ्री तख्ताजान। तख्ताजान का पूरा नाम है आर्मिन एल टी तख्ताजान। नंबर फोर कॉन्क्वेस्ट एंड नंबर फाइव डॉलग्रेन। ये हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है अंडर द मेजर हेडिंग्स ऑफ ईदर आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। लेकिन आज जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे
वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ओनली वन आर टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी ईदर वन और टू कैरेक्टर ओनली, या तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आल्सो डिफाइन एज ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स। ये आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स होगी, लाइक फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में भी हमारे पास जो है वो पेटल्स, सेपल्स एंड स्पेसिफिकली एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की बात करें तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अर्लीएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ब्रॉडर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जैसे हमने इंट्रो में बात की थियोफ्रेस्टस, हर्बेलिस्ट, टोनीफोर्ट एंड कार्लस लिनियस की मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले थियोफ्रेस्टस, द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, 300 बिफोर क्राइस्ट इसका टाइम पीरियड है, और ये जो है थियोफ्रेस्टस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बॉटनी बिकॉज थियोफ्रेस्टस वाज ऑफ दैट अर्लियर साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब्ड द प्लांट्स इन डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। अब हमारे पास थियोफ्रेस्टस क्लासिफाइड और डिस्क्राइब 480 प्लांट्स इन हिज बुक एंड द नेम ऑफ हिज बुक वाज हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसकी जो बुक थी उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन वाज द हैबिट ऑफ प्लांट्स। हैबिट ऑफ प्लांट्स मींस दैट द थियोफ्रेस्टस मेजरली क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज, नंबर वन ट्रीज, नंबर टू श्रब्स एंड नंबर थ्री हर्ब्स। सिंपली यू कैन से the Theophrastus classified the plants on the basis of their length, their size and their appearance, shortcut on the basis of habit criteria. Number two, in artificial system of classification, herbalist time period or herbalist era from 1470 to 1670 AD. अब हर्बलिस्ट क्लासिफाइड मोस्टली मेडिसिनल प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। इसलिए जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बलिस्ट है वो है आपके पास मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। ये जो हर्बलिस्ट है इस इरा में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है फोर साइंटिस्ट की, नंबर वन ओटो बर्नफिल, नंबर टू जीरोम बॉक, नंबर थ्री लियोन हार्ट फंच एंड नंबर फोर वेलेरियस कॉर्डस, वेलेरियस कॉर्डस। ऑटो बर्नफेल की जो बुक है जो इसने प्लांट लिस्ट जिस बुक में दी हर मेडिसिनल प्लांट्स की, उस बुक का नाम है हार्बेरियम वेवी ई कोनिस।
हर्बेरियम वेवी इकोनिस, जबकि जीरोम बक की जो बुक है उसका नाम है हाइरोनिमस ट्रेगस, हाइरोनिमस ट्रेगस। सिमिलरली हमारे पास जो लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स लियोन हार्ट फिंच ने जिस बुक में दी उस बुक का नाम है हॉस्टेरिया स्ट्रिपियम, हॉस्टेरिया स्ट्रिपियम। एंड जो हमारे पास वेलेरियस कॉर्डिस की बुक है उसकी बुक का नाम भी इंटरेस्टिंगली है हॉस्टेरिया प्लांटेरम। लेकिन जो थियोफ्रेस्टिस की हॉस्टेरिया प्लांटेरम थी उसमें प्लांट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट मींस दैट साइज लेंथ एंड देयर अपीयरेंस, व्हाइल इन हॉस्टेरिया प्लांटेरम ऑफ वेलेरियस कॉर्डिस कंटेन द लिस्ट ऑफ दोस प्लांट्स व्हिच हैविंग मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। तो इस वजह से इस इर्रा को कहा जाता है हर्बलिस्ट इर्रा इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जबकि हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में टॉर्निफोर्ट, टॉर्निफोर्ट का जो टाइम पीरियड है 1756 to 1708, द टॉर्निफोर्ट वाज दैट बॉटनिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म हर्बेरियम फर्स्ट टाइम। हर्बेरियम का जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड किया टॉर्निफोर्ट ने, और ये आपके पास बेसिकली फ्रेंच था। इसकी जो बुक है जिसमें इसने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को प्रेजेंट किया वो है आपके पास एलिमेंट्स डी बॉटनिको पब्लिश्ड बाय टॉर्निफोर्ट इन 1694। And in this book, he mostly studied the trees and herbs. इसने जो mostly plants को study किया वो major two groups में classify किया, trees and herbs में। और इसका जो criteria of classification था वो flower based characters थे, like flower में free petals means that polypetalous, or gamopetals यानी कि आपके पास फ्यूज्ड पेटल्स, इसी तरह जो है वो आपके पास इसमें रेगुलर एंड इररेगुलर फ्लावर स्ट्रक्चर। इस बुक में जो इसने टोटल जेनरा प्रेजेंट किया ऑफ प्लांट्स 6698 एंड टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 10146 स्पीशीज इसने जो है वो प्रेजेंट की अपनी एलिमेंटिस डी बॉटनिको में। नेक्स्ट नंबर पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है सिस्टमेटिक बॉटनी में वो है कार्लिस लिनियस की इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम 1707 टू 1778 ऑन द बेसिस ऑफ हिज टेक्सोनोमिक वर्क। द कार्लिस लिनियस अवार्डेड बाय द क्रेडिट ऑफ फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी। हमारे पास कार्लिस लिनियस को फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी भी कहा जाता है बिकॉज द कार्लिस लिनियस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द टर्म टेक्सोनोमी। अब हमारे पास ये जो कार्लिस लिनियस के वर्क की बेस थी वो बेसिकली रोडोल्फ कैमेरेरियस वर्क था। रोडोल्फ कैमेरेरियस इन 1694 डिस्कवर्ड सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। रोडोल्फ कैमेरेरियस ने 1694 में सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिस्कवर किया। इस चीज को बेस बनाकर कार्लिस लिनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया बिकॉज लिनियस वाज इंप्रेस्ड बाय दिस आइडिया यानी सेक्सुअलिटी आइडिया एंड यूज क्राइटेरिया ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन प्लांट्स फॉर क्लासिफिकेशन। जो हमारे पास
कार्लिस्लिनियस का आइडिया या क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ट करता है सेक्स ऑर्गन इन प्लांट्स लाइक स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम एंड कार्पल यानी गाइनोशियम। कार्लिस्लिनियस की क्लासिफिकेशन बेस्ड टू मेजर बुक्स हैं, नंबर वन जेंड्रा प्लांटेरम which was published in 1737. In this book, first edition contained 935 genera, while this book later on updated into 5 editions and 2 supplements. Now this edited genera plantarum contain almost 1,336 genera. The second book of Carlislinius was Specie Plantarum. इसने genera plantarum में जो majorly emphasize किया है वो genera of plants पे, जबकि Specie Plantarum जो कि 1753 में published हुई, इसमें इसने जो मेजरली एम्फिसाइज किया है वो जेंड्रा एज वेल एज स्पीशीज, जिसमें इसने ऑलमोस्ट 1000 जेंड्रा एंड ऑलमोस्ट 6000 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। अब हमारे पास कार्लिस्लिनियस की जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें कार्लिस्लिनियस रिकॉग्नाइज्ड ऑलमोस्ट 24 क्लासेस ऑफ प्लांट्स विच बेस्ड ऑन द नंबर union and length of stamen mostly. हमारे पास कार्लिस्लिनियस की अगर आप सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे तो उसमें इसकी 24 क्लासेस ऑफ प्लांट्स हैं जो कि बेस्ड करती हैं स्टेमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, स्टेमन नंबर पे, स्टेमन की फॉर्म ऑफ अकरेंस इधर फ्री आर फ्यूज्ड यानी यूनियन एंड लेंथ ऑफ स्टेमन पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने इसकी कुछ क्लासेस को मेंशन किया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लासेस की है मोनोड्रिया। मोनोड्रिया मीन्स दैट द ग्रुप द क्लास ऑफ दोस प्लांट्स विच कंटेन ओनली सिंगल स्टेमन, यानी कि आपका पास मोनोएंड्रस मीन्स दैट सिंगल स्टेमन कंटेनिंग प्लांट्स क्लासिफाइड बाय कार्लिस्लिनियस इन अ क्लास मोनोएंड्रिया। इसी तरह जिसमें टू स्टेमन्स हैं तो डायएंड्रिया, थ्री हैं तो ट्रायएंड्रिया, फोर हैं तो टेट्रेंड्रिया एंड सो ऑन। जब अगर स्टेमन नंबर 10 है तो फिर उस क्लास का नाम है डिकेंड्रिया, अगर स्टेमन नंबर कितना है 10। अगर किसी प्लांट्स ग्रुप में जो कार्लिस्लिनियस के मुताबिक स्टेमन नंबर 12 है तो उसका नाम होगा डो डिकेंड्रिया। लेकिन चूंकि न सिर्फ स्टेमन बल्कि गाइनोशियम बेस्ड पे भी इसका क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है तो उसकी भी क्लास मैंने एक मेंशन की आइसोएंड्रिया। आइसोएंड्रिया और पॉलीएंड्रिया कि द नंबर ऑफ स्टेमन मोर देन 20 and the position of stamens are hypogynous means that the origin of stamen below the carpel, below the ovary. जब आपके पास ऐसी plants, ऐसी condition जिसमें number of stamen more than 20 और स्टेमन का ओरिजिन बिलो ओवरी हो यानी हाइपोगाइनस कंडीशन हो, उस क्लास को नाम दिया गया है आइसोएंड्रिया। मोनोडेल्फिया जिसमें स्टेमन्स जो हैं वो मोनोडेल्फिया यानी यूनाइटेड इन अ सिंगल वर या यूनाइटेड इन अ सिंगल बंच है, उस क्लास का नाम है मोनोडेल्फिया। इसी तरह डाइडेल्फिया क्लास है। फिर उसके बाद है गाइनेंड्रिया। गाइनेंड्रिया क्लास वो क्लास है जिसमें स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद गाइनोशियम। गाइनेंड्रिया व्हेन स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद गाइनोशियम देन अकॉर्डिंग टू कार्लिस्लिनियस दिस होल क्लास ऑफ प्लांट इज नोन एज गाइनेंड्रिया। सिमिलरली मानोशिया और डायोशिया ये भी क्लासेस हैं आपके पास कार्लिस्लिनियस की।
Manosia, when the plant will be manosious, means that bisexual, means that both stamen and gynoecium, means that androecium and gynoecium present in a single flower on a single plant. तो अब जब दोनों यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर एक ही प्लांट पे हो तो उसे मनोशिया कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू कार्लस लिनियस क्लासिफिकेशन. लेकिन लास्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास चॉइस की है क्रिप्टोगेमिया. दी क्रिप्टोगेमिया इज दैट क्लास विच इंक्लूड्स ऑल दोस प्लांट्स विच आर नॉन फ्लावरिंग. नॉन फ्लावरिंग मीन्स दैट इट कंटेन्स लाइक सॉरी फंजाई एलजी ब्रायोफाइट्स फंस ट्रीडोफाइट्स एक्सेट्रा. तो ये हमारे पास क्रिप्टोगेमिया जिनके सेक्स ऑर्गन्स हिडन होंगे. अब कार्लस लिनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चूंकि डिटेल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसलिए सिस्टम के जो मेरिट्स हैं उनमें सबसे पहले द कार्लस लिनियस वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रोपोज द फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो इसकी मेरिट में सबसे पहली इंपॉर्टेंस यानी इसका गुडविल ये है कि ये कार्लस लिनियस वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रोवाइड द प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम. नंबर टू बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन. द कार्लस लिनियस वाज दैट पर्सन हु प्रोवाइडेड द बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दैट नॉलेज वाज एक्सेप्टेड एट दैट टाइम फॉर क्लासिफिकेशन. उस टाइम पे जो क्लासिफिकेशन था के लिए आपके पास ये इसने क्राइटेरिया प्रोवाइड किया वो बेसिक नॉलेज एट दैट टाइम सफिशिएंट था फॉर क्लासिफिकेशन. नंबर थ्री मेरिट में स्पीशी कॉन्सेप्ट. फर्स्ट टाइम कार्लस लिनियस वाज द पर्सन हु प्रोवाइड द क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी. ऑल्दो कार्लस लिनियस से पहले भी स्पीशी कॉन्सेप्ट तो था लेकिन उसमें एम्बिग्विटी एंड कंफ्यूजन्स थी. लेकिन कार्लस लिनियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रोवाइडेड द क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी. नंबर फोर अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ कार्लस लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम इट इज अ क्विक एंड इजी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स. कि इसमें सिंपली आप चूंकि फ्लोरल पार्ट्स विजिबल हैं तो उन पे इजीली क्विकली आप जो हैं नंबर ऑफ स्टेमन्स की बेस पे इजी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. अगर सिंगल स्टेमन है तो मोनोएंड्रिया, अगर टू स्टेमन्स हैं तो डायएंड्रिया, थ्री हैं तो ट्रायएंड्रिया. यानी सिंपल एंड इजी एंड क्विक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स. लेकिन चूंकि ये इतना परफेक्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है इसके ड्रॉबैक्स या इसके डीमेरिट्स स्टिल मौजूद हैं. तो डीमेरिट्स में सबसे पहली बात जो है वो है हमारे पास कि दी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन ओनली ईदर सिंगल आर फ्यू करेक्टर्स. कि इसमें क्लासिफिकेशन के लिए जो मोड यूज किया गया है उसमें एलो प्लांट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है बल्कि इधर जो है वो सिंगल आर फ्यू करेक्टर्स हैं जिनकी बेस पे क्लासिफिकेशन है यानी नॉट प्रोवाइड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट. सिमिलरली जब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है तो नॉट सिमिलर इन हेरिडिटी पैटर्न इन क्लासिफिकेशन. कि जब क्लासिफिकेशन होगी तो उसमें क्लासिफिकेशन पैटर्न जो है वो हेरिडिटी प्लान के मुताबिक या पैटर्न के मुताबिक नहीं होगा. स्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम कि इसमें जो है वो आपके पास स्टेबिलिटी है कि नंबर ऑफ स्टेमन जो है वो रिजिडिटी को शो करते हैं. अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ स्टेमन्स पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें फिर आपके पास फर्दर जो है वो एलोब्रेशन या डिस्क्रिप्शन का चांस नहीं होगा. चूंकि ऑलरेडी बात की कि वन आर फ्यू करेक्टेड तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड. कैन नॉट एड न्यू वर्क. चूंकि ये स्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आप कंफर्म है कि एक स्टेमन है मोनोएंड्रिया तो उसमें फर्दर एडिटिंग का चांस नहीं है तो न्यू वर्क एडिशन पॉसिबिलिटी नहीं है. इसी तरह जो इसका लास्ट डीमेरिट है डिफिकल्ट फॉर पार्टिकुलर स्पीशी और जेंडर आइडेंटिफिकेशन.
कि अब आप इसकी बेस पे हम जो हैं वो एक क्लास तो डिजाइन कर सकते हैं कि ऑल दोज प्लांट्स विच हैविंग सिमिलर सिंगल स्टैमन नोन एज मोनोएंड्रिया, लेकिन उसमें फर्दर आप स्पीशीज या जीनस को फर्दर जो है वो आप उसकी आइडेंटिटी इजीली नहीं कर सकते, तो डिफिकल्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशी आर जेनरा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन होल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डीमेरिट इज नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स, मीन्स दैट नॉट रिलेटेड फाइलोजेनेटिकली, कि ये आपके पास जो क्लासिफिकेशन है इसमें एवोल्यूशनरी बेस किसी किस्म की क्लासिफिकेशन नहीं है। तो यहां तक था हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। होपफुली आपकी लर्निंग हुई होगी, फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह अजीज पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।